बैरिया में ग्राम प्रधान संघ बैरिया के अध्यक्ष प्रतिनिधि अरुण यादव के नेतृत्व में मंगलवार को जिलाधिकारी बैरिया आदरे मिश्र को ज्ञापन सौंपा गया। ग्राम पंचायत नौका गांव के रजनी सिंह का आरोप है कि नौका गांव पंचायत में बनने वाले अमृत सरोवर की जमीन की पैमाइश के लिए गांव में तैनात लेखपाल द्वारा ग्राम प्रधान से 5,000 रुपये घूस की मांग कर रहे हैं और घूस नहीं दिए जाने पर पैमाइश नहीं कर रहे। बैरिया प्रधान संघ के अध्यक्ष अरुण यादव के नेतृत्व में संगठन से जुड़े पदाधिकारियों और ग्राम प्रधान मंगलवार को तहसील पहुंचे और उप जिलाधिकारी बैरिया आत्रेय मिश्र से मिलकर नौका गांव ग्राम पंचायत में बनने वाले अमृत सरोवर के कार्यों में आ रही समस्याओं से अवगत कराया। अरुण यादव ने कहा कि नौका गांव पंचायत में तैनात लेखपाल द्वारा जमीन की पैमाइश के लिए 5,000 रुपया घूस मांगा जा रहा है। भूमि का पैमाइश न होने से अमृत सरोवर का निर्माण कार्य आधर में लटक गए हैं। कहा कि तत्काल इस समस्या का समाधान नहीं हुआ तो बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। मौके पर नौका गांव प्रधान प्रतिनिधि रवि प्रताप सिंह सहित तमाम लोग मौजूद रहे। अरुण यादव अध्यक्ष प्रधान संघ बैरिया, ये क्या मामला है कि आप लोगों ने प्रधान संघ के पूरे संघ के साथ साथ तमाम बैरिया विधानसभा के प्रधान द्वारा जो है उप जिलाधिकारी हमारे विकास खंड के ग्राम पंचायत नौका गांव में अमृत सरोवर की जमीन का सीमांकन करना है, उसमें वहां के लेखपाल जितेंद्र सिंह घोर लापरवाही कर रहे हैं। लगभग 3 महीने से हमारे सम्मानित प्रधान जी कहते रह गए, उसको नापी नहीं किए और जब अब कह रहे हैं तो 5,000 रुपया मांग रहे हैं। ये हम लोगों के साथ अन्याय होगा। ये योजना माननीय मुख्यमंत्री महाराज जी की सबसे अच्छी योजना है अमृत सरोवर, उसी का हम लोग कार्य के लिए लेखपाल से कह रहे हैं इसका सीमांकन कर दिया जाए, जिससे हम लोग अमृत सरोवर का विकास अपने ग्राम पंचायत में कर सकें।